लोगों की बहादुरी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विजय ढुल ने किया सम्मानित। जनपद सिद्धार्थनगर के थाना क्षेत्र लोटन के ग्राम बघेली पुलिस के पास दो व्यक्तियों द्वारा अवैध असलहे से हमला कर उनकी मोटरसाइकिल छीन ली गई। रणधीर सिंह निवासी भरमी थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा सूझबूझ दिखाते हुए तत्काल गांव वालों को मोबाइल द्वारा सूचित किया गया। ग्रामीण राहुल सिंह रामचंद राम केवल समस्त निवासीगढ़ भरमी थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए घेराबंदी करके दोनों अपराधियों को पकड़ लिया गया। विजय ढुल पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा इनकी बहादुरी के लिए पुलिस अधीक्षक विजय ढुल ने सिद्धार्थनगर में आयोजित कार्यक्रम में इनके साहसिक कार्य के लिए सम्मानित करते हुए मेडल व प्रत्येक व्यक्ति को 2500 रुपये नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। खबर जगत सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। 25 जनवरी को थाना क्षेत्र लोटन में एक युवक संदीप से दो अपराधियों द्वारा उस पर फायर करके उससे उसकी मोटरसाइकिल छीन ली गई थी। उसके छीनने के बाद उसने युवक ने संदीप ने अपने एक साथी की मदद से अपने गांव वालों को फ़ोन किया जो कि उसी रास्ते पे पड़ता है, और गांव वालों ने बहादुरी दिखाते हुए और अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन दोनों लड़कों को पकड़ लिया। उन लड़कों ने गाँव वालों के ऊपर भी फायर किया। आज उसी घटना के जो हमारे बहादुर गांव वाले जिन्होंने इस घटना में उनको पकड़ा है उन लोगों को हमने पुलिस लाइन में सम्मानित किया है उनकी बहादुरी के लिए, ताकि समाज में बाकी लोगों के लिए भी यह एक अच्छा एग्जांपल बन के आए। उन चार लोगों के नाम हैं रणधीर जिन्होंने कॉल किया था, राहुल रामचंद्र और राम केवल जिन लोगों ने उनको पकड़ा था। इन सभी लोगों को सम्मानित करके पुलिस विभाग को भी खुद सम्मानित हमें फील हो रहा है कि ऐसे बहादुर लोग हमारे जनपद में जब तक रहेंगे कोई भी अपराधी ऐसे कोई भी दिन दहाड़े अपराध करके भाग नहीं पाएगा।